हाय बडीज, व्हाट्स अप, इट्स बॉनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बहुत सालों के बाद वाटर कलर पेंटिंग ट्राई करने वाली हूँ। एनीवेज, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वाटर कलर पेंटिंग के लिए हमें चाहिए वाटर कलर्स, ऑब्वियसली। एनीवेज, मेरे पास कोई भी वाटर कलर्स नहीं थे, इसीलिए मैंने एक नया सेट खरीदा है और ये कलर्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, चाहे मार्केट हो चाहे ऑनलाइन हो। इसका ओरिजिनल प्राइस है 200 रुपीज, बट मुझे ये बस 180 रुपीज का पड़ा। अब फटाफट कलर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। कलर्स की क्वालिटी के बारे में मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है। बहुत साल पहले मैं जब वाटर कलर से पेंटिंग करती थी तब भी मैं यही कलर यूज करती थी। और पेंटिंग या फिर ड्राइंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है आपकी स्किल। आपकी स्किल जितनी अच्छी होगी आपकी पेंटिंग या फिर ड्राइंग उतनी ही अच्छी होगी। और स्किल्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। एनीवेज, बहुत ज्यादा ज्ञान देने के बाद हम पेंटिंग स्टार्ट करेंगे, बट पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले हम फटाफट एक स्केच बना लेंगे। स्केचिंग एकदम कंप्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे पेंटिंग। मैं पहले स्काई पे कलर करूंगी, बट स्काई को कलर करने से पहले मैं पूरी की पूरी स्काई पे वाटर को अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। मैं यहाँ पर वेट ऑन वेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हूँ। एनीवेज, वाटर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं कोबाल्ट ब्लू को हल्के हाथों से अच्छे से अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ पर कलर्स कम ही यूज कर रही हूँ क्योंकि अगर ज्यादा यूज करूंगी तो स्काई बहुत ज्यादा डार्क लगेगा। स्काई पे अच्छे से कलर करने के बाद अब हम ग्राउंड पे फोकस करेंगे। पहले मैं एज यूजुअल वाटर को अच्छे से स्प्रेड करूंगी और उसके बाद लाइट ग्रीन कलर को अप्लाई करूंगी। और वाटर कलर पेंटिंग की यही रूल है कि आप पहले लाइट शेड्स अप्लाई करते जाना और उसके बाद डार्क शेड्स अप्लाई करना। मैंने यहाँ पर वही किया है। मैंने यहाँ पर पहले लाइट ग्रीन कलर अप्लाई करी है, उसके बाद मैं अभी ग्रीन की डार्क शेड्स अप्लाई कर रही हूँ। ग्राउंड तो अच्छे से कलर हो चुका है, अब घर के पीछे जो झाड़ है उसे हम अच्छे से कलर करेंगे। मैं झाड़ पे पहले मीडियम ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद मैं डार्क और लाइट ग्रीन कलर से अच्छे से शेडिंग कर दूंगी। झाड़ पे अच्छे से कलर करने के बाद हम कुछ और एलिमेंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि घास और फिर पेड़। एनीवेज, बातें करते करते मैंने हट को अच्छे से कलर कर लिया है। पहले मैंने हट पे बेसिक कलर अप्लाई किया है और उसके बाद मैंने थोड़ी सी शेडिंग भी कर दिया है और उसके बाद हमारी जो पेंटिंग है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, मेरी पेंटिंग कैसी लगी? पेंटिंग तो ठीक ठाक ही है, अब आगे का पेंटिंग भी दिखाओ। ठीक है, चलो सेकंड पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर पहले ही एक ड्राइंग प्रिपेयर कर रखी है। मैं पहले फटाफट बैकग्राउंड को कलर करूंगी और बैकग्राउंड को अच्छे से कलर करने से पहले मैं फटाफट वाटर को अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। फिर वाटर को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं ब्लू कलर को अच्छे से अप्लाई कर दूंगी क्योंकि पानी होता है नीला नीला। और फिर मेरी प्यारी मछली पानी के बगैर कैसे रहेगी? और एक पोएम है ना? हाँ, याद आया। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो बच जाएगी, बाहर निकालो तो बच जाएगी। हाँ, इसीलिए मेरी मछली तो बस पानी के अंदर ही रहेगी। एनीवेज, बैकग्राउंड को अच्छे से कलर करने के बाद हम फिश पे फोकस करेंगे। पहले मैं फिश की पूरी बॉडी में लेमन येलो कलर अप्लाई करूंगी। क्या आप लोगों को वीडियो अब तक पसंद आ रहा है? अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करना। और उसके बाद ऑरेंज कलर से धीरे धीरे शेडिंग्स ऐड करते जाऊंगी। एक टिप, वाटर कलर से पेंटिंग करते टाइम आपको बहुत ज्यादा सब्र करना पड़ेगा, बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करना क्योंकि हड़बड़ी वाला काम में हमेशा गड़बड़ी होती है। और एक लेयर ड्राई होने के बाद आपको तभी दूसरा लेयर अप्लाई करना चाहिए, वरना पेंटिंग पूरा का पूरा खराब हो सकता है। तो
एनीवेज बातें करते करते बहुत सारी एलिमेंट्स पे हमने कलर कर दिया है। लास्ट में फिश की आंखें और बॉडी की आउटलाइनिंग करने के बाद वी आर डन। मुझे तो ये वाली पेंटिंग ज्यादा पसंद आई है। थैंक्स अ लॉट। एनीवेज मेरी कौन सी पेंटिंग आप लोगों को ज्यादा पसंद आई है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बी